इस वीडियो में देखेंगे जानेंगे डीप जंक्शन या कॉन्सील्ड बॉक्स के अंदर बड़े वाटेज का लाइट कैसे लगाते हैं। जैसे ये एडजस्टेबल चैनल है, ये हैवेल्स कंपनी का है और 12 वाट का बल्ब हम आपको लगा करके दिखलाएंगे। कहीं पे कॉन्सील्ड बॉक्स में लगाना पड़े या डीप जंक्शन में आपको लगाना पड़े या कहीं पर आपका डीप जंक्शन कॉन्सील्ड बॉक्स नहीं लगा हुआ है सेलिंग में, जहाँ पर आपका प्लेन जंक्शन बॉक्स भी लगा है वहाँ पर भी आप इसे लगा सकते हैं। जैसे ये हमारा जंक्शन बॉक्स प्लेन है, ये डीप जंक्शन नहीं है, तो इसके अंदर किस तरह से लगाएंगे, किन किन बातों को आपको ध्यान में रखना चाहिए, कहीं पे आपको लगाना पड़े तो किस तरह से लगाता है, इसके अंदर क्या क्या दिया गया रहता है, आपको जानकारी पूरा तरह से होना चाहिए। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो शुरू करते हैं। लाइक एंड फॉलो कीजिए EWC इलेक्ट्रिकल्स फेसबुक पेज को और देखिए सभी प्रकार की इलेक्ट्रिकल वीडियो सबसे पहले। तो जैसे कि ये हमारा लाइट है और ये 12 वाटेज का है और ये हैवेल्स कंपनी का है और इसका जो साइज है वो बड़ा है, जनरली जो आपका कॉन्सील्ड बॉक्स में लगता है उससे डबल है ऐसे समझ लीजिए। और कॉन्सील्ड बॉक्स में जो लाइट लगता है वो हमारा 5 वाट का होता है, 6 वाट का होता है और बहुत सारा कंपनी 9 वाट में बनाता है, लेकिन साइज जो रहता है वो 4 इंच ही होता है, यानी 100 mm होता है। और इसमें हमारा कनेक्शन होगा न्यूट्रल फेस वायर। इसकी ड्राइवर की बात करें तो इसके अंदर इंक्लूड है और जो LED पैनल है यानी LED प्लेट है वो भी इसके अंदर इंक्लूड है। और ये जो है इसका सेफ्टी रिंग है, इसके अंदर फंसा करके लगाया जाता है ताकि गिरे नहीं। और ये इसका चैनल है जिसमें इसका लॉकिंग सिस्टम होता है और ये इसका क्लिप है जिससे हम कॉन्सील्ड बॉक्स या डीप जंक्शन में इसके फंसा सकते हैं यानी लॉक कर सकते हैं। तो इसके अंदर 2 स्क्रू कसना होगा, जैसे कि यहाँ एक यहाँ सरफेस के लिए, अगर कहीं पे आपका डीप जंक्शन नहीं लगा है प्लेन बॉक्स लगा है तो वहाँ पे सबसे पहले रिंग आपको लगा लेना होगा और उसके बाद सेलिंग में इसको कस देना होगा 2 स्क्रू से, ग्रिप स्क्रू से। और उसके बाद क्या करना होगा, सबसे पहले इसके अंदर डालेंगे जो सेफ्टी रिंग है, फंसा देंगे, लॉक हो जाएगा तो लाइट हमारा गिरे नहीं, कनेक्शन करने में इजीली हो और इस तरह से ये आपका लग जाएगा सेलिंग में और इसमें वायर अपना कनेक्शन कर लेंगे। लेकिन हमें यहाँ पे इसे लगाना है, प्रैक्टिकल हम आपको लगा कर दिखलाएंगे सरफेस में, लेकिन कॉन्सील्ड बॉक्स में लगाने के लिए इसमें क्या क्या ऑप्शन है वो हम आपको समझा देते हैं। सबसे पहले तो लाइट को हम क्या करते हैं, एक बार रखते हैं साइड में, जैसे ये हो गया हमारा, यहाँ पे लाइट हो गया साइड में। उसके बाद ये है हमारा कॉन्सील्ड बॉक्स। जैसे कॉन्सील्ड बॉक्स जो होता है वो हमारा 4 इंच का ही होता है लंबाई चौड़ाई यानी राउंड में होता है 100 mm और इस पर नंबर लिखा गया रहता है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 सेम उसी तरह से दूसरे साइड से भी लिखा गया है कि आप अपना एडजस्ट करके उतना पे क्लैंप लगा सकते हैं, लेकिन क्लैंप आगे पीछे हो सकता है। अब जैसे कि इसके अंदर जो ये क्लैंप है इसे इजीली लगा सकते हैं और ये इसका लॉक है जो पकड़ लेता है, ऊपर जाके स्प्रिंग लगा हुआ है। जैसे यहाँ पे अगर लगाना है तो इस तरह से अंदर डालेंगे, ये इस साइड निकल जाएगा और फिर इसको इस साइड, बाहर के साइड, अंदर के साइड नहीं, बाहर दिशा में इसको लगा देंगे तो ये इस तरह से आपका पकड़ेगा। उसी तरह से दूसरे साइड भी हमें लगाना होगा। तो चलिए क्या करते हैं, हम दूसरे साइड आपको लगा करके दिखलाते हैं। इस साइड क्या करेंगे, फिर इसको डालेंगे और यहाँ पर हम इस तरह से इसको घुमा लेंगे। ये हो गया, अब देखिए ये तो हो गया, लेकिन ये एडजस्ट हो सकता है आगे पीछे जितना पे आप चाहें। मानते हैं डीप जंक्शन है तो आपको छोटा करना होगा, अगर बॉक्स है तो बड़ा करना होगा, फैन बॉक्स में भी लग जाएगा क्योंकि इसका ड्राइवर जो है लाइट में इंक्लूड है, इसलिए दिक्कत नहीं होगा उसमें जो रॉड रहता है। जैसे हमें अगर कहीं पर लगाना रहेगा फैन बॉक्स या कॉन्सील्ड बॉक्स डीप जंक्शन में, तो सबसे पहले हमें जो सेफ्टी रिंग है उसे इस तरह से लगाना होगा, उसके बाद हम क्या करेंगे इसको हम फंसाएंगे। तो चलिए हम क्या करते हैं, आपको एक बार फंसा करके दिखलाते हैं। सबसे पहले इस तरह से इसको हम इस तरह कर देते हैं, जो सेलिंग में हम लोग जिस तरह से पैनल लाइट लगाते हैं कहीं पे उसी तरह से सेम लगाना है, किसी तरह का एक्सचेंज नहीं होगा। अगर कहीं पे थोड़ा बहुत रोक रहा है तो इसको ड्राइवर से हम लोग क्या करते हैं कि थोड़ा सा उसका जो पत्ती है जो फंसता है उसको थोड़ा सा हम लोग दबा देते हैं। जैसे इसमें अभी जो होल है हमारा पाइप का, उसमें जो पंच किया हुआ जो आपका मेटल का है वो रोक रहा है, तो उसे हमने दबा दिया तो लग गया। उसके बाद क्या करेंगे, जो सेफ्टी रिंग है वो हमें लाइट में फंसा करके उसके बाद इसको लगा देना होगा, ये आपका लॉक हो जाता है यहाँ पे। तो इस तरह से इसे दबा दिए तो ये हमारा लग गया। तो इस तरह से आप जितना भी कॉन्सील्ड बॉक्स में लगाना चाहते हैं बड़े वाटेज का आप लगा सकते हैं, लेकिन हर कंपनी में ये चीज़ अवेलेबल नहीं है। अगर आप डीप जंक्शन में लगाना चाहते हैं सबसे छोटा कर दीजिए इस तरह से और उसके बाद इसको इस तरह से करेंगे, आप डीप जंक्शन में लगा देंगे, सबसे अच्छा और बेहतर ये डीप जंक्शन में आपका लगेगा और अच्छे तरह से पकड़ बनाएगा। आपके कॉन्सील्ड बॉक्स से भी बेहतर आपका अगर कहीं पर डीप जंक्शन लगा है वहाँ पर इस लाइट को लगाने का लुक और जो मज़ा है वो बहुत अलग है।
तो ये डिप जंक्शन में अगर लगाते हैं तो और अच्छी बात है, ऐसे कॉन्सील्ड बॉक्स में भी लगा सकते हैं। अब चलिए हम इस क्लिप को निकाल देते हैं, इस तरह से ये निकल जाएगा। दूसरे साइड अगर हम स्क्रू ड्राइवर नहीं लगाए, थोड़ा जोर से हम उठा देंगे तो भी निकल जाएगा, क्योंकि हम इसे सरफेस में लगाने वाले हैं तो इसका जो क्लिप है वो यूज नहीं होगा चैनल का। सबसे पहले सेफ्टी रिंग आपको लगा करके कसना होगा, हमेशा ध्यान में रखिएगा। अब चलिए हम यहाँ पे ग्रिप स्क्रू लेते हैं, इसके साथ दिया गया। आप चाहते हैं अलग से ग्रिप स्क्रू लगाने के लिए तो वो भी ले सकते हैं, ग्रिप के हिसाब से आपको ड्रिल बिट लेना होगा और स्क्रू भी उसके हिसाब से लेना होगा। तो यहाँ पे हमारा प्लेन जंक्शन बॉक्स लगा हुआ है और यहाँ पे होल्डर पहले था, अब इस होल्डर को हम हटा दिए। अब यहाँ पे सबसे पहले दो मार्किंग करेंगे दो स्क्रू के लिए, और मार्किंग करने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पे ड्रिल मशीन लेकर के इसके अंदर हम होल करेंगे। तो चलिए फटाफट यहाँ पे हम होल कर लेते हैं, जैसे कि इसके अंदर उतना ही होल करेंगे जितना लंबा हमारा ग्रिप है, जो गुल्ली है, जो फीसर भी कहा जाता है, गुल्ली भी कहा जाता है, ग्रिप भी कहा जाता है। उसके बाद इसके अंदर हम डालेंगे ग्रिप, यानी जो फीसर है उसे डालेंगे, और उसके बाद इसको ठोक देंगे अंदर। बिल्कुल बराबर होना चाहिए, तो बाहर अगर रहेगा तो फिर बराबर नहीं बैठेगा। उसके बाद इसके अंदर स्क्रू डालेंगे और स्क्रू डाल करके इसको कस देंगे इस तरह से एक साइड। उसके बाद दूसरे साइड कसने से पहले सेफ्टी रिंग डालेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, स्क्रू को यहाँ पे इस तरह से कस लेंगे। स्क्रू को पूरा कसेंगे, आप चाहते हैं कि मोटा स्क्रू लगाएं, दूसरा स्क्रू लगाएं, इसके साथ थोड़ा छोटा और पतला स्क्रू दिया गया है, लेकिन ऐसा नहीं है कि जो स्क्रू दिया गया है उससे टाइट नहीं होगा और आपका लाइट का जो वजन है वो नहीं रोक पाएगा, मजबूत है उतना बहुत है। उसके बाद पैनल लाइट लगाएंगे सबसे पहले सेफ्टी रिंग में, और उसके बाद हम क्या करेंगे, वायर को छीलेंगे। वायर को छीलने के बाद यहाँ पे वायर को हम जोड़ रहे हैं, यहाँ पे जो लाइन है उसको हम कट कर दिए हुए हैं मेन पावर सप्लाई मेन बोर्ड से, ज़रूरी है नहीं तो सेफ्टी नहीं रहेगा और फिर करंट आपको लग सकता है। उसके बाद जो वायर है बचा था उसको हम क्या किए हैं, जो जंक्शन बॉक्स है उसके अंदर डाल दिए हैं, और उसके बाद यहाँ पे इस लाइट को हम लगा दिए। तो इस तरह से आप लाइट को लगा सकते हैं कहीं पे भी ज़रूरत के हिसाब से, अगर आपका कॉन्सील्ड बॉक्स है या डिप जंक्शन है वहाँ पे।